अभी चीजें रिसेंट टाइम में बदलती जा रही है। अभी जैसे अभी हमारे कोर्स में चेंजेस हुए हैं और आगे टाइम पे बढ़ते ही जा रहे हैं, मतलब पिछले टाइम से काफी बेहतर है और रिजल्ट भी बढ़ता ही जा रहा है, तो उस हिसाब से इम्प्लॉयमेंट भी ठीक चल रहा है अभी इस हिसाब से। और अभी हम ये देख रहे हैं कि आगे भी और डेवलपमेंट की स्कीम्स आती जा रही है सरकार की तरफ से, तो उस हिसाब से काफी मतलब लग रहा है कि हमको सही चल रहा है इस हिसाब से, मतलब एजुकेशन में हमारे और हमारे कोर्स में जैसे हम सीए कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हमको पता चल रहा है कि भाई अपॉर्चुनिटीज दिखती है आप सब लोग, तो इतने सारे स्टूडेंट यहाँ है देश भर में, पता नहीं कितने होंगे सीए को लेके, तो अपॉर्चुनिटीज दिखती है फ्यूचर में? दिखती है बहुत, बिल्कुल दिखती है हमको कि सीए में आगे चलती है और अपॉर्चुनिटीज दिख रही है कि आगे गवर्नमेंट कहती है कि हमें और सीए फ्यूचर में, उस हिसाब से जैसे अभी की नीड बहुत ज्यादा है और सीएस काफी कम है इंडिया में, तो उस हिसाब से हम देखें तो अभी नीड है सीएस की, तो हम इसलिए कोर्स देखते जा रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट भी चाहिए लोगों को, और उस हिसाब से कोर्स मतलब एजुकेशन सिस्टम काफी उस हिसाब से बदलता जा रहा है और इजी होता जा रहा है एग्जाम देना। जैसे अभी के टाइम पे अटेम्प्ट पिछले टाइम पे 2 ही थे 1 साल में, और अभी के टाइम पे 3 हो चुके हैं, और आने वाले टाइम पे शायद और हो सके या नहीं हो सके, वो इस चीज पे इम्प्लीमेंट होता है नहीं होता है, उस चीज से पॉलिसी बदलती जा रही है, कोर्स भी बदलता जा रहा है थोड़ा 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 टाइम से टाइम के हिसाब से, तो हम वो देख रहे हैं, तो हमें वो समझ में आ रही है कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ना कुछ चल ही रहा है, कुछ ना कुछ सही काम हो रहा है हमारी तरफ से देखते हुए, और यूथ को देखते हुए कुछ ना कुछ काम चल ही रहा है, चाहे वो एजुकेशन को लेकर हो, चाहे छोटी मतलब छोटे लोग छोटे बच्चों के लिए हो या फिर बड़े लोगों के लिए हो, ग्रेजुएशन सबके सबके लिए कुछ ना कुछ हो रहा है। इनको लगता है यूथ के लिए सबके लिए कुछ ना कुछ हो रहा है, क्या नाम है आपका? जतिन अवतानी। जतिन, थोड़ा इधर घूमिए, क्या आपको लगता है उस तरफ कैमरे की तरफ यूथ को लेके जो बातें होती हैं, जिस तरीके से ये कह रहे हैं हमारे कोर्सेज को लेके तमाम चीजें बेहतर हो रही हैं, आप कैसे देख रहे हैं कुछ डेवलपमेंट के लिहाज से, और क्या है इसमें मेजर? गवर्नमेंट गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर मेजर जो इशू होता है वो रिजर्वेशन का होता है, मेन जो अदर कास्ट के अंदर रिजर्वेशन वो ज्यादा होता है, जैसे ओबीसी एसटी एससी इनको ज्यादा सीट्स प्रोवाइड होते हैं एज कम्पेयर टू जनरल, और इन सीए कोर्सेज बेस्ट कोर्स है मेरे हिसाब से, क्योंकि इसके अंदर रिजर्वेशन नहीं है, और जैसे अभी मन्नन ने बताया कि अटेम्प्ट बढ़ते जा रहे हैं और जो फेलियर्स स्टूडेंट्स होते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा वो मिलेगा, अटेम्प्ट मिलेंगे और उनकी ज्यादा से ज्यादा प्रोग्रेस होगी, इस हिसाब से मेरे हिसाब से सीए कोर्स बेस्ट है, और जो रिजर्वेशन का एक मेजर इशू है हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में वो एक मेन है इशू। भीलवाड़ा के ही रहने वाले हैं, तो कैसे लगता है डेवलपमेंट बेहतर हुआ है और चीजें दूसरी तमाम? पहले के ऐसे पहले कंपेयर में देखा जाए तो भीलवाड़ा के अंदर जो डेवलपमेंट है वो बहुत ज्यादा अच्छा प्रोग्रेस हुआ है, पहले इतना नहीं था, मतलब इलेक्ट्रिसिटी इशू था, वाटर इशूज था, अदर इशूज भी थे, सोशल इशूज थे, बट एज ए कम्पेयर टू पहले के हिसाब से देखा जाए तो अभी बहुत सारे बेटर चीज है, मतलब पहले इतनी इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा प्रोवाइड नहीं हो जाती, पहले गाँव में इतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं थी, वाटर इश्यूज बहुत होते थे, बट एज ए कम्पेयर टू अभी देखा जाए तो पहले वाटर इश्यूज भी उससे पहले कम हुए, इलेक्ट्रिसिटी इशू भी कम हुए, और जो रोड है वो भी अभी अच्छे बेटर हुए पहले के कंपेयर में, और सारी चीजें अभी इस हिसाब से बेटर हुई है, चीजें बेहतर हो रही है ऐसा लोगों को लगता है। क्या नाम है आपका? सुहानी सामरिया। सुहानी, सब बता रहे हैं कोई रिजर्वेशन की बात कर रहा है, कोई कह रहा है बहुत अच्छी एजुकेशन में धीरे धीरे बदलाव आ रहा है और फायदा मिल रहा है, आप लोग सब स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, क्या लगता है क्या और चीजें स्टूडेंट के लिहाज से, जॉब्स के लिहाज से, फ्यूचर, क्योंकि पढ़ाई के बाद तो सबसे इम्पोर्टेंट फ्यूचर होता है ना, सेटल होना होता है, तो कैसे देख रहे हैं उसको आप लोग और क्या समझते हैं कि मतलब बेटर और होना चाहिए? जैसे इंडिया एक डेवलपिंग फेज में है, जैसे जो आज के यूथ है जनरेशनल गैप आया है, तो एवरीबॉडी सो सीरियस अबाउट स्टडीज, तो जैसा कि लग रहा है बहुत सारे जने स्टार्टअप्स करने वाले हैं, कंपनीज बन रही है, इंडस्ट्रीज आने वाली, तो ऐसा लगता है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज आने वाले सालों में बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, तो जो हमारी एजुकेशन पॉलिसीज है उसके सर्टेन ड्रॉबैक्स है तो कुछ एडवांटेजेस भी हैं, तो जैसे ड्रॉबैक्स है जैसे स्टडीज में प्रैक्टिकलिटीज प्रैक्टिकल अप्रोच आनी चाहिए, सो दैट कि हम जब हायर लेवल पे जाएं, जब हमारी जॉब लगे, तो ट्रेनिंग और प्लेसमेंट में वहां पर जो हमारे ऊपर एक्सपेंडिचर हो दैट इज बेटर कि हम जब स्कूल में हो तो तभी कर दिए जाए, सो दैट हमें उस टाइम पे इतना फेस नहीं करना पड़े, बिकॉज दैट वुड बी अ कंप्लीट न्यू एरा फॉर अस। तो जैसा कि बहुत सारी चीजें हम देख रहे हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट्स होने वाले, तो आई डू थिंक कि आने वाले सालों में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी होने वाली है, एंड ऑफ कोर्स एज अ यूथ वी मस्ट स्टडी हार्ड सो दैट हम उन पे एक्सेल कर पाए। तो जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो पॉलिसी बनाते हैं, चाहे दिल्ली में बैठे हुए चाहे जहां भी बैठे हुए, तो अभी की जो पॉलिसी है खास करके एजुकेशन और तमाम चीजों को लेकर, आपको लगता है कि वो बेटर है, बढ़िया है, हमें धीरे धीरे और? यस, धीरे धीरे थोड़ा और इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, ऑफ कोर्स अगर हम देखें इंडिपेंडेंस से तो बहुत सारे चेंजेस आए हैं, एंड ऑफ कोर्स वी आर ऑन अ डेवलपिंग फेज, तो आगे और बहुत सारे चेंजेस आएंगे, और हम ऑप्टिमिस्टिक है कि ऑफ कोर्स ये जो चेंजेस होंगे हम स्टूडेंट्स के लिए एज अ यूथ या पूरी कंट्री के लिए बहुत अच्छे होंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।